नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। दिवाली और छठ पर्व के लिए चलेंगी ट्रेनें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक इस्लामपुर और पूर्णिया कोर्ट से हटिया और दानापुर से टाटा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जिसके तहत ट्रेन संख्या 08624 08623 हटिया इस्लामपुर पूजा स्पेशल ट्रेन नियमित गाड़ी संख्या 18623 18624 के समय एवं ठहराव के अनुसार चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 08625 08626 पूर्णिया कोट हटिया पूर्णिया कोट पूजा स्पेशल नियमित गाड़ी संख्या 18625 18626 के समय एवं ठहराव के अनुसार चलेगी। ट्रेन संख्या 08183 टाटा दानापुर पूजा स्पेशल नियमित गाड़ी संख्या 18183 18184 के समय एवं ठहराव के अनुसार चलेगी। इसके साथ ही धनबाद गया और किऊल गया के बीच एक एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। मतगणना के दिन जीत के जश्न पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। कल बिहार के आने वाले 5 साल की किस्मत का फैसला होना है। एग्जिट पोल की माने तो इस बार जीत का सहरा महागठबंधन के सिर सजने वाला है। हालांकि आंकड़े हार जीत का प्रमाण नहीं होते। वहीं मतगणना के दिन होने वाले शोरगुल पर नजर बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस बल को दे दी गई है, जिसके तहत कल होने वाले मतगणना पर पुलिस की पैनी नजर होगी, ताकि परिणाम आने के बाद कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके और ना ही बेवजह की आतिशबाजी का हिस्सा बने। यदि कोई भी प्रत्याशी ऐसा करता पाया गया तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्ती से पेश आएगी। मतगणना खत्म होने पर एएन कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतगणना केंद्र पर 2 प्लाटून पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा लगभग 200 पुलिस पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। वहीं बीते दिन आईजी रेंज ने एसएसपी उपेंद्र शर्मा और सिटी एसपी विनय तिवारी के साथ एएन कॉलेज मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आए कोरोना की चपेट में। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कल घोषित किया जाना है। हालांकि चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बीती रात उनकी रिपोर्ट सामने आई है। बीते दिन मिली जानकारी के अनुसार संजय कुमार सिंह का बुखार खत्म हो गया है, मगर फिलहाल उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, संजय सिंह बीते 2 महीने से निर्वाचन विभाग में प्रतिनियुक्त थे। उनका पदस्थापना शिक्षा विभाग के तहत संचालित राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक के पद पर है। हालांकि संजय सिंह की कोरोना रिपोर्ट मिलते ही निर्वाचन विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि संजय सिंह चुनाव से संबंधित कार्यों को लेकर लगातार वरीय अधिकारी और कर्मचारियों के साथ संपर्क में थे। कल सुबह 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे रुझान। कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला होने वाला है। जानकारों की माने तो कल सुबह 9 बजे से रुझान आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं 3 बजे से परिणाम आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही वाल्मीकिनगर संसदीय उपचुनाव के परिणाम भी कल ही आ जाएंगे। निर्वाचन विभाग के अधिकारी सूत्रों की माने तो मतगणना केंद्रों में आयोग के निर्देशानुसार निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इसके अतिरिक्त केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देश पर कोरोना के माहौल में एहतियात अधिकतम 1000 मतदाता के लिए बूथ की व्यवस्था की गई थी। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी को दी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि कल ही चुनाव परिणाम की घोषणा होनी है, इसी कारण से इस बार उनके जन्मदिन पर कोई खास आतिशबाजी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि सुबह से ही तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने वालों की लंबी कतार देखने को मिली। इसी क्रम में उनके बड़े भाई ने भी उन्हें अनोखे अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके लिखा, हैप्पी बर्थडे टू। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस ट्वीट में उन्हें मुख्यमंत्री भी करार किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी की बहन रोहिणी ने भी अपने भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। रोहिणी ने ट्वीट में लिखा कि हम इतनी दूर हैं, मगर फिर भी बेहद ही करीब है। छात्रों को यूपीएससी की परीक्षा में जीएस के सवालों ने किया परेशान। बीते दिन राजधानी पटना के 27 केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान दिया गया था। अभ्यर्थियों को सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। 3 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। हालांकि परीक्षा के बाद छात्रों ने परीक्षा के दौरान पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत छात्रों ने बताया कि वो परीक्षा में जीएस के सवालों में उलझते नजर आए थे। छात्रों ने बताया कि इस परीक्षा में 125 से 130 अंक लाने वाले प्रतियोगी अभ्यर्थियों को सफलता मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। घुसपैठियों के अकड़ ठिकाने लगाने वाले बिहार के लाल ने दुनिया को कहा अलविदा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के माछिल इलाके में 3 घुसपैठियों को सबक सिखाने के क्रम में बीएसएफ के जवान आशुतोष कुमार समेत 4 जवानों ने बीते दिन आखिरी सांस ली। हालांकि इन सभी जवानों ने आखिरी सांस तक घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। हालांकि घुसपैठियों का सामना करते हुए बिहार के वीर सपूत बीएसएफ के कप्तान आशुतोष कुमार ने 2 घुसपैठियों को
अंजाम तक पहुंचा दिया था। आपको बता दें, कप्तान आशुतोष गहलाड प्रखंड के टोला वार्ड 17 के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही उन्होंने सेना की नौकरी ज्वाइन की थी, जिसके बाद वो 9 महीने बॉर्डर पर तैनात थे। आशुतोष की खबर सुनकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। लॉकडाउन के बाद पहली बार पटना से रांची टाटा समेत झारखंड के लिए शुरू हुई बस सेवा। पटना से रांची और टाटा समेत झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बीते दिन से बस की सेवा शुरू हो गई है। मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से परिवहन पर रोक लगने से बिहार झारखंड के बीच बस सेवा पूरी तरह से बंद हो गई थी। हालांकि बाद में अनलॉक होने पर राज्यों के अंदर बसों का परिचालन शुरू करवा दिया गया था। झारखंड सरकार की तरफ से अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक लगाने से पटना से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बसों का परिचालन बंद था। शनिवार को झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसकी इजाजत दी है और रविवार से पटना से रांची टाटा और धनबाद समेत विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा फिर से बहाल हो गई। इन बसों में पूरी क्षमता के साथ बस यात्री बैठ सकेंगे। इतना ही नहीं, सामान्य किराया भी लिया जाएगा। हालांकि पहले चोरी छिपे चलाने वाले बस दोगुने किराए की वसूली करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा की भतीजी से जुड़ी है अमेरिका के नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। वर्तमान समय में पूरी दुनिया कोरोना के माहौल में अमेरिका में हुए सत्ता पलट का जश्न मना रही है। वहीं भारतीय लोग भी अमेरिका की खुशी में शरीक होते नजर आ रहे हैं। वहीं इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी अब सामने आया है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि उनके परिवार का उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस के साथ अनोखा रिश्ता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीते दिन इस बाबत ट्वीट करके लिखा है कि उनके बड़े भाई की बेटी प्रीता अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ करीब से जुड़ी हुई है, जिसके तहत उन्होंने कमला के साथ प्रीता की एक तस्वीर भी साझा की। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में उन्हें हार्दिक बधाई भी दी। जीतन राम मांझी ने चुनाव को बताया राजद का एजेंट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से चिराग पासवान को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन ट्वीट करते हुए सरकार बनाने का दावा करने वाले राजद एजेंट चिराग पासवान के एग्जिट पोल की बात कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी को मिले तो जरूर बताएगा कि रामविलास पासवान जी के सपने के बंगले को चिराग ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं पथ निर्माण मंत्री ने भी जारी किए गए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि एग्जिट पोल से ना हम घबराते हैं और ना ही हम इतराते हैं। सर्वे करने वाली कंपनियों का काम है सर्वे करना और उसी के माध्यम से हार जीत का आकलन करना। हमारा काम है जनता की सेवा करना, विकास की गति को बनाए रखना। एनडीए की सरकार ने जो पिछले 15 साल में काम किया है उससे सरकार के प्रति बिहार की जनता का विश्वास जरूर बढ़ा है। एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाल को भेजा समन। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एनसीबी के हस्तक्षेप ने बॉलीवुड वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान तक इसकी चपेट में उलझती नजर आई है। वहीं अब एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर के नाम समन जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाल के नाम समन जारी किया गया है। इतना ही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया है, जिसकी जानकारी मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दी है। सिर्फ फिरोज को ही नहीं बल्कि एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी कल पूछताछ के लिए बुलाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों पहले एनसीबी ने फिरोज के घर पर छापेमारी की थी, जहां से एनसीबी को कई सबूत मिले थे। सनराइजर हैदराबाद को हराकर दिल्ली बनी आईपीएल के 13वें संस्करण की दूसरी फाइनलिस्ट। आईपीएल का यह सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसके बाद अब 10 तारीख को इस सीजन का विजेता मिल जाएगा। जहां मुंबई पहले ही फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम ने बीते दिन अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है और आईपीएल के इस सीजन की दूसरी फाइनलिस्ट बन गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद की टीम को 17 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जहां दोनों टीम कल आखिरी बार फाइनल मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ेंगी। जहां दिल्ली की टीम इस साल के इस खिताब को अपने नाम दर्ज करने की कोशिश करेगी, वहीं मुंबई की टीम एक बार फिर से अपने जीत के रिकॉर्ड को कायम करने की कोशिश करती देखी जाएगी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 85 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 45,903 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 85,53,657 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 490 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,26,611 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 79,17,373 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 5,09,673 सक्रिय मामले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कल होने वाले आईपीएल के फाइनल मुकाबले में मुंबई या दिल्ली किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।